राइट, तो भाई रजत दलाल ने भी यहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट के मैटर के ऊपर रिएक्ट करा, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले वर्ल्ड वॉर थ्री के बारे में। तो भाई वर्ल्ड वॉर थ्री यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कल यहाँ पे ईरान ने अराउंड 200 या 400 मिसाइल इसराइल के ऊपर फेंक दी। और भाई कल रात से इसकी वीडियो हर जगह वायरल हो रही है, इतनी सारी मिसाइल रात में भाई उड़ रही है। एंड ये स्क्रीन शॉट जो आप देख रहे हैं बेसिकली इसराइल के मैप के ऊपर लोकेशन है, जहाँ पे वार्निंग दी गई है की भाई यहाँ पे जो भी लोग है वो नीचे बंकर में चले जाए और छुप जाए, क्योंकि यहाँ पे मिसाइल्स की वार्निंग आ रखी है। एंड इसी वजह से भाई कल रात से यहाँ पे ट्विटर के ऊपर भाई वर्ल्ड वॉर थ्री ट्रेंड कर रहा है। खैर ये वाली लड़ाई तो भाई यहाँ पे ग्राउंड्स के ऊपर चल रही है, बट यहाँ पे ऑनलाइन भी ईरान और इसराइल के जो ट्विटर अकाउंट है वो एक दूसरे को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। बिकॉज यू नो इसराइल हमेशा ऐसा बोलता है कि भाई हम पे कोई अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे पास भाई आयरन डोम है जो कि यहाँ पे किसी भी आती हुई मिसाइल को रोक सकता है। तो भाई कल का अटैक करने के बाद उनका अकाउंट ये ट्वीट करता है, आयरन क्या 99% क्या। एंड इस चीज के ऊपर बियर भाई सेल्स भी रिएक्ट करते हुए बोलते हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर थ्री स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल शक मत करना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई, ये हो चुका है। तो आने वाले जो 10 साल है ना भाई वो बहुत ही खराब रहने वाले सबके लिए, एंड इसका इफेक्ट भाई पूरी दुनिया में दिखने वाला है, जस्ट वेट करो। एंड यहाँ पे अलग अलग कंट्री सपोर्ट में आ चुके, जैसे कि भाई अमेरिका ने ट्वीट कर दिया कि भाई वो इसराइल के सपोर्ट में है। एंड इवन यहाँ पे जो यूके के मिनिस्टर्स है उन्होंने भी बोल दिया कि भाई वो यहाँ पे इसराइल के सपोर्ट में है। अब सबसे मेन रोल जो है वो यहाँ पे पता चलेगा कि रशिया किसके साइड में है। खैर इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एडवाइजरी भी निकाल दिया उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे इसराइल के अंदर है। ये कुछ नंबर्स है, अगर आपको कोई जानने वाला है तो उसको हेल्प करेगा। तो कभी नहीं सोचा था कि भाई जो चीज बुक में पढ़ी थी वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू वो कभी अब लाइव देखने को मिलेगी। आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। जहां हम बात करने वाले भुवन बाम के बारे में, तो भुवन बाम का यहाँ पे जो ताजा खबर है उसने रिकॉर्ड बना दिया है। तो भाई ताजा खबर का सीजन 2 मोस्ट वॉच्ड सीरीज बन चुका है। एंड इस चीज के लिए वो कल अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव भी आते हैं, सबको थैंक्स बोलते हैं ऐसे सपोर्ट के लिए। खबर देखो, जाके देखो, 3 बार देखो, मैं देख चुका हूँ, भाई का शो नंबर 1 हो गया है। मैं सब अपने फैंस को बोल रहा हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मेरे फैंस इसके फैंस अपना पूरा सेम ही है, पर जाके देखो 2 बार देखो, ठीक है, भाई पैसा कमाएगा तो हम भी पैसा कमाएंगे। तू जा, लव यू भाई, लव यू। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि उसको शो कैसा लगा। और आशीष और मैं अक्सर दिखाते नहीं है, पर हमारे में भाइयों से बढ़कर प्यार है। एंड ऑलवेज विशिंग हिम ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट ही इज डूइंग, एंड यू गाइस आर नॉट रेडी फॉर व्हाट ही इज गोना कुक फॉर यू। फैन हम बात करने वाले एक बड़े यूट्यूबर के बारे में जो कि अपना यूट्यूब क्विट करने की सोच रहे हैं। तो बेसिकली जिस यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है चपाती गेमर, जिनके यहाँ पे 8 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है। तो रिसेंटली इन्होंने अपने चैनल के ऊपर एक लाइव स्ट्रीम करी थी, जहाँ पे वो ये बताते हैं कि भाई इनका चैनल यहाँ पे भाई बहुत नीचे जा रहा है, लाइक काफी टाइम से इनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो रहे एंड व्यूज भी यहाँ पे पहले से कम आ रहे हैं, तो भाई इनके गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे डिसाइड करा था कि भाई वो अपना चैनल क्विट कर देंगे। एंड ये चैनल बेसिकली 2 लोग मिलकर चला रहे थे, ये एंड लोगी। सो कल रात को वो ट्वीट करते जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि लोगी क्विट करने का सोचा था, बट मैं बहुत खुश हूँ कि भाई वो वापस आ रहे हैं अब यूट्यूब के ऊपर। एंड देसी गेमर भी रिएक्ट करते हुए बोलते हैं कि भाई अप्स एंड डाउन्स तो आते जाते रहते हैं, बट डरना नहीं है। एंड चपाती गेमर भी बोलते हैं बिल्कुल सर। फैन हम बात करने वाले हैं धोनी के बारे में, तो धोनी को यहाँ पे काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। एंड इसका रीजन ये है कि भाई धोनी का एक फैन दिल्ली से भाई 12,000 किलोमीटर साइकिल चला के रांची गया धोनी से मिलने के लिए, एंड ये पिछले 4 दिन से धोनी के घर के बाहर खड़ा है, बट धोनी आते हैं और निकल जाते हैं एंड इससे मिले भी नहीं। तो लोग इसी चीज को लेके यहाँ पे धोनी को हेट दे रहे कि धोनी में कितना घमंड आ गया है, धोनी यहाँ पे सिर्फ सट्टेबाजी वाली एड्स को प्रमोट करता रहता है बट वो अपने फैन से मिलता ही नहीं है। आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड क्रिकेट की बात हो रही तो बात कर लेते हैं भाई बाबर आजम के बारे में, जो कि पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं। इनको पिछले काफी टाइम से तो हेट मिल रहा था क्योंकि भाई ये कैप्टन थे पाकिस्तान के, एंड पाकिस्तान पिछले कुछ टाइम से सिर्फ हार ही दिया है। तो इन सब के बाद कल उन्होंने दूसरी बार अनाउंस करा कि भाई वो अब अपनी कैप्टनसी छोड़ रहे हैं। भाई मतलब कल क्या क्या हो गया, मतलब गांधी जयंती वाले दिन यहाँ पे वर्ल्ड वॉर देखने को मिल गई, बाबर आजम ने कैप्टनसी भी क्विट कर दी, गांधी जयंती हमेशा याद रहेगी। एलविश यादव के ऊपर फेक होने के एलिगेशंस लग गए। सो बेसिकली एक क्रिएटर है जिनका नाम ये है, एंड ये पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा वायरल है इनके मीम के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे रिसेंटली एलिगेशन लगाया एलविश यादव के ऊपर, तो वो क्या बोलते हैं आप लोग सुन सकते हैं। और भाई गाने के व्यूज है 6,802, 1 घंटा हुए है, और भाई आप नीचे देखो लाइक है 25,000 और कमेंट है 3,800। ठीक है भैया, इसको कहते हैं प्रमोशन। आप ये समझते होगे भाई बहुत बड़ो कलाकार बनोगो, बहुत बड़ो आर्टिस्ट बनोगो, भैया कुछ भी आर्टिस्ट कुछ भी नो है, असली मेहनत अपनी होती है। ठीक है भैया, या मैं प्रमोशन सु गाना उठाया जाता आप समझ में आ गई होगी, व्यूज है 6,000 कुछ। ठीक है भैया, और वासु ज्यादा लाइक आ रहे भैया 25,000, आप देख सकते हो जो आदमी 25,000 लाइक कर सकता हो तो देख के ही तो करेगो है, पहले 25,000 लाइक आ चुके हैं और भाई और 3,800 कमेंट भी कर दिए और व्यूज अब हुए 10,000।
भाई ये सिस्टम चलतो रहे। आप सब लोग सोचते हो कि भाई किसी को गाना आया और गाना एकदम करोड़न में चलोगे फलाना चलोगे, ऐसा कुछ भी ना हो। सब प्रमोशन को खेल है, यूट्यूब वाले भाई प्रमोशन लगा दे गाना ऑटो। हम बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में, तो भाई फ्लाइंग बीस्ट को यहाँ डिफेंड करने के लिए रजत दलाल आ गए। तो रजत दलाल कुछ ये बोलते हैं, मेरे को खैर एक चीज समझ नहीं आती कि मतलब कुछ लोग क्या इस फिराक में बैठे होते हैं कि किसी के घर में कुछ हो, कोई बंदा कुछ करे, ये कुछ करे या वो कुछ करे, कि हम उनका टॉपिक उठाएं और उसके दम पे दो चार रुपए कमा ले, दो चार व्यूज कमा ले, दो चार लाइक्स कमा ले। किसी एक परिवार के दो सदस्यों में कोई दिक्कत हो गई है, 140 करोड़ लोग हैं, चलो वो लोग थोड़े वायरल थे ठीक, अरे उनका घर है, उनकी चीजें हैं। किसी वकील को कोई चीज डालनी है, वो उनकी वीडियोस डाल के वायरल करा रहे हैं। किसी ने कुछ करना है, वो उसका थंबनेल लगा रहे हैं। भाई दो बंदों के घर की चीजें घर में रहने दो ना, और तुम्हें इतनी अगर व्यूज चाहिए लाइक्स चाहिए तो अपना कंटेंट सुधार लो। अपनी माँ क्यों हर जगह मैं ऑन कैमरा गाली नहीं देता, समझ जाओ बहन के। So, रजत लाल के अकॉर्डिंग मैं ऑनलाइन हूँ और मुझे हेट मिल रहा है, तो भाई तुम लोग ही गलत हो क्योंकि तुम मुझे हेट कर रहे हो। और तुम तो मेरी फैमिली थी, हम तो आर्मी थे। हम बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में, तो भाई मिस्टर बीस्ट ने यहाँ पे फिर से रिएक्ट करा रोनाल्डो के ऊपर। तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया जहाँ पे KSI मिस्टर बीस्ट से रोनाल्डो के बारे में पूछते हैं कि मिस्टर बीस्ट को क्या लगता है कि रोनाल्डो कभी हरा देगा उनको सब्सक्राइबर रेस में कि नहीं। तो इसके रिप्लाई में मिस्टर बीस्ट सरकास्टिकली बोलते हैं कि भाई रोनाल्डो कभी ऐसा नहीं करने वाला और मैसी ज्यादा बेटर है। बट मैसी ने यहाँ पे KSI एंड लोगन पॉल की ड्रिंक को कॉपी करा था, सो उनको ये वापिस लेनी पड़ती है। एंड भाई KSI की बात हो रही है तो कल उन्होंने रिवील करा कि भाई उनको ब्रिटिश गॉट टैलेंट का ऑफर आया है एंड अब वो शो के अंदर जज बनेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हम बात करने वाले बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति के बारे में, तो भाई एक क्लिप इनके रिगार्डिंग काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सो सीन कुछ ऐसा कि इनको एक इवेंट में जाना था जिसके लिए इन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे, बट भाई जिस दिन इवेंट था ये उस दिन जाती नहीं और कैंसिल कर देती है। अब जिन लोगों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया था भाई वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड इसके बाद वो कुछ ये करते हैं। कर दीजिए, कोई किसी मूवी नहीं देखेंगे, किसी कमेंट नहीं करके ये लोग और आती नहीं है। आपको टाइम मैनेज करना है जी, अभी कौन सी बड़ी सेलिब्रिटी बनी है कौन जानता भी नहीं है इसका नाम। इवन आर्य कपूर जी बहुत सो हार्ड ही लोग पिक्चर भी देखने के लिए कौन नहीं है अभी तक कोई जानता नहीं है। एंड दिस इज हर लाइफ इन सो जयपुर शोर बॉयकॉट ही शी नॉट वर्थ सेलिब्रिटी, शी इज नॉट एट ऑल वर्थ कॉलिंग सेलिब्रिटी एज। क्या है क्या अब हम उस पे केस करेंगे और जयपुर को उसे बॉयकॉट करना चाहिए उसकी मूवीज को, क्योंकि उन्होंने आज हमारी मानहानि की। करो मैम करो, अब आप वीडियो बाय कीजिए। वहाँ चल रहा है बाकी मेरे भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई न्यूज देनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको लफड़ा देखना हो इजाज़ खान वाला तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना।